ओम शांति। हर इंसान एक मकसद को लेकर इस संसार में आता है और उस मकसद तक पहुंचने के लिए, वो मकसद को जीने के लिए उसको परमात्मा से एक गिफ्ट प्राप्त होती है, जो गिफ्ट है वैल्यूज। वैल्यूज लाइफ में कंपास का कार्य करती है, जो हमें एक नित्य डायरेक्शन दे रही है कि हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए ये आधार है, ये कंपास है। परंतु जब व्यक्ति को वो कंपास का प्रयोग करना नहीं आता तो उस कंपास को छोड़ देता है कि शायद वर्तमान समय के युग में जीने के लिए ये वैल्यूज काम नहीं कर सकेंगे और इसीलिए उसके बदले में वो वीकनेसेस को अपना लेते हैं। लेकिन ये वीकनेसेस, कमजोरियां, ये उसके जीवन में गलत डायरेक्शन दे देती है और गलत रास्ते पर ले जाती है, जिससे व्यक्ति वो मकसद जी नहीं सकता है, वो मकसद पर पहुंच नहीं सकता है और तब उसको लाइफ में कई बार डिससैटिस्फैक्शन आने लगता है कि आखिर इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मकसद तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो वर्तमान समय में मकसद पर पहुंचने के लिए जो तीव्र गति के परिवर्तन का समय है, ऐसे तीव्र गति के परिवर्तन के समय के लिए भी तीन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने सेट ऑफ वैल्यूज का प्रयोग करना है मुझे, तो वो सेट ऑफ वैल्यूज के प्रयोग करने के लिए तीन बातें जो आज के युग में आवश्यक है। सबसे पहली बात है इंट्रोवर्शन, भीतर जाना, कुछ समय अपने लिए जरूर निकालना है हमें और भीतर अपने आप में चले जाना, जिसके लिए कहा डेवलप एन एम्फेसिस ऑन नरिशिंग द सेल्फ एंड अ प्रायोरिटी टुवर्ड्स सेल्फ मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू मैनेज चेंज। कैसे करना है तो वो अंतर्मुखता बहुत जरूरी है, साथ ही साथ अंतर्मुखता के साथ साथ फिर फ्लेक्सिबिलिटी, हैव अ कमिटमेंट टू अडॉप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनी न्यू सिचुएशंस चैलेंजिंग आवर ओन assumptions, नेचर को ऐसे फ्लेक्सिबल बना दे और उस आधार पर हम आगे बढ़ सके, ये चेंज में उस वैल्यूज का प्रयोग कर सके। और तीसरी बात जो आज के युग के लिए बहुत आवश्यक है, क्रिएटिविटी, लुक फॉर न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हार्नेस इनर resources ऑफ contemplation, projection and intuition to increase performance। वो मूल्य की जो गिफ्ट हमें मिली है, सेट ऑफ वैल्यूज जो हमारे अपने हैं, उसको प्रयोग में लाने के लिए भी हर वक्त व्यक्ति को भीतर से रचनात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रचनात्मक होने से हर बात को वो अच्छी तरह से प्रोजेक्ट कर पाता है और उसके अंदर एक डीप कमिटमेंट आने लगता है, मोटिवेशन उसका बढ़ जाता है करने के लिए और तभी वो वैल्यूज को अपने जीवन के चारों क्षेत्र में वो अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है। चार क्षेत्र जो हमारे जीवन के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स, इन चारों क्षेत्र में कर्म में जब मुझे आना है तो वैल्यूज के माध्यम से आए तो हमें लाइफ में एक इनर सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। इसलिए कहा है आवर एक्शंस डोंट सपोर्ट आवर पर्पस व्हेन दे आर नॉट गाइडेड बाय अ वैल्यू और देयर इज एन इनकैपेसिटी टू एक्सप्रेस द वैल्यू करेक्टली।
सही ढंग से या तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब लाइफ के ये चारों क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये वैल्यूज ही हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा आधार बन जाती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हाइट्स पर पहुंचे हैं, सफलता को जिसने हासिल किया है या मकसद को पहुंच पाए हैं, उन्होंने अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया हुआ था और तब वो कुछ कार्य करने की हिम्मत रख सके। हाँ, समय प्रति समय हमारे वैल्यूज बदल सकते हैं कि बचपन में हमारे जीवन पर या हमारे कर्म पर जो वैल्यूज का इन्फ्लुएंस है वो हमारे हेरिडिटरी वैल्यूज है, खानदानी के वैल्यूज है। फिर जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है और इंफॉर्मेशन के युग में जीता है, एजुकेशन प्राप्त करने लगता है, तो एजुकेशन उसके वैल्यूज को और शेप देता है कि उसके अंदर मैनर्स, पोलाइटनेस, जेंटलनेस ये बातें आने लगती है। उसी के साथ साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है, तो वो सोसाइटी की वैल्यूज कुछ अलग है। फिर जैसे जैसे मीडिया के कांटेक्ट में आता है तो मीडिया और उसकी वैल्यूज को शेप देती है कि किस प्रकार उसको अनेक प्रकार की बातों का ज्ञान देने से उसकी जो भावनाएं मान्यताएं हैं वो बदलने लगती है। तो ऐसे कई बातें हैं जो हमारे वैल्यूज को पॉलिश भी करती जाती है, शेप भी करती जाती है, लेकिन उसके प्रभाव में आकर के जो मेरी निजी सेट ऑफ वैल्यूज है उसको मुझे छोड़ना नहीं है। अक्सर करके मनुष्य ये करता है कि जब इन बातों का प्रभाव अधिक हो जाता है उसकी बुद्धि के ऊपर, तो वो बुद्धि के अभिमान के कारण वो वैल्यूज जो उसकी निजी है, अपनी है, उसको भूलने लगता है या वो वैल्यूज उसकी डॉर्मेंट होने लगती है, शांत हो जाने लगती है, और तब वो अपने मकसद पर पहुंच नहीं सकता। क्योंकि ये तो सपोर्ट्स है कि जिस सपोर्ट्स के माध्यम से हम उस वैल्यूज को प्रैक्टिकल लिव कर सके। जैसे कई लोगों के जीवन के उदाहरण को अगर हम देखें, मदर टेरेसा थी और मदर टेरेसा के निजी वैल्यूज, अपने वैल्यूज उसके जो थे, उस कारण उसने एक लाइफ को अपनाया, नन की लाइफ, और उसने अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया। अब वो लाइफ तो उसने डेडिकेट कर दिया, लेकिन उसी के साथ साथ जो उसको उस समाज में वैल्यूज मिली, उससे उसके निजी वैल्यूज को सपोर्ट मिल गया फ्लरिश होने का, फ्लावर होने का। और जब वो फ्लरिश होने लगी तो 60 साल में उसके वो वैल्यूज एक शेप लेने लगी, सपोर्टिंग वैल्यूज के साथ साथ। सेवा का क्षेत्र तो उसका था ही था, लेकिन वहां उसके बाद उसका मकसद उसको क्लियर हो गया कि मैं इस संसार में क्यों आई हूं, और तब वो जीवन जी सकी। उसका जीवन हम सभी के सामने एक उदाहरण है ही है। तो इसलिए कहा कि जो निजी सेट ऑफ वैल्यूज हमें मिला है वो विजन तक हमें पहुंचाता है, और उसके लिए सपोर्टिंग वैल्यूज फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम वेरियस अदर थिंग्स, अलग अलग सोर्सेज है जो हमारे उस वैल्यूज को प्रयोग करने में मदद रूप हो जाते हैं, और तब हम एक विजन जी सकते हैं। विजन क्या है? विजन के लिए कहा जाता कि फाइनल गोल ऑफ योर पर्पस। अनेक बातें विजन को क्लियरिफाई कर सकती है कि फाइनल गोल ऑफ योर पर्पस, पर्पस इज द जर्नी एंड विजन इज द डेस्टिनेशन। अ क्लियर पिक्चर ऑफ आवर लाइफ गोल्स लीड्स टू न्यू हाइट्स एंड ग्रेटर अचीवमेंट्स, जो हमें बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। इट क्रिएट्स एनर्जी, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, कि जो हमारे अंदर एक नई एनर्जी, नई स्पिरिट डेवलप करने में हमें मदद कर सकती है।
a mental conception of a better tomorrow, an opportunity to engage the world in new and different ways, an inspired image that we carry in our hearts. ऐसा एक इमेज है जो प्रेरणाओं से भरा हुआ है, जो हमारे दिमाग तक नहीं है, जो हम अपने हृदय में उसको लेकर के चल रहे हैं। और वो हृदय वाला जो इमेज है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है कि जब हमारा विजन हो, ऐसे नहीं कि विजन आर मैन्युफैक्चर्ड और विजन आर क्रिएटेड, विजन क्रिएट नहीं हो सकता है, लेकिन विजन को एक्सप्लोर किया जाता है कि ये वैल्यूज है, ये मकसद अगर मेरा है तो उसके आधार पर मेरा फाइनल गोल, फाइनल पिक्चर कैसा होना चाहिए, ये फाइनल मेरा इमेज कैसा होना चाहिए कि जिससे मुझे पूर्ण आत्म संतोष प्राप्त हो, तो उसके लिए वो एक्सप्लोर करना है भीतर से, जैसे अन्वेषण करते हैं व्यक्ति, तो वो अन्वेषण करना है भीतर से। और वो विजन के कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार होनी चाहिए, तो इट शुड बी वेरी विविड, वेरी क्लियर, एकदम स्पष्ट होना चाहिए हमारे सामने। साथ ही साथ इट शुड बी इंस्पायरिंग, जो खुद को भी प्रेरणा देती रहे भीतर से और दूसरों को भी प्रेरणा देती रहे। टेंजिबल हो, जब समय आया, जैसा समय आया वैसे हम उसको परखते हुए उस अनुसार उसको मोड़ सके, एक शेप दे सके, और साथ ही साथ बेनिफिशियल, वो फायदा कारक होना चाहिए। हमें अपने में एक प्राप्ति का अनुभव हो कि नहीं, ये जो मेरा विजन है ये मुझे कुछ दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहे हैं भीतर से। चैलेंजिंग हो कि जिसमें हम एंथुजियाज्म हमारी गवाए नहीं, लेकिन इतना चैलेंजिंग हो जिससे हमारी एंथुजियाज्म बढ़ती ही जाए। और क्वालिटेटिव हो, जिसमें क्वालिटी हो, लाइफ की भी क्वालिटी हो, और ऐसा हो जहां हम ज्यादा बनते हैं करने के बजाय, बेस्ड ऑन मोर ऑन बीइंग देन डूइंग। ये पांच छह बातें जो है हमारे विजन के लिए बहुत स्पष्ट, हमें आगे बढ़ने में, हमारे स्टेप्स जीवन की जो है उसको चढ़ने में मदद रूप हो सकती है। तो एक है पर्पस, एक है वैल्यू सेट मेरे जीवन का, और एक है विजन। ये तीनों जहां है वहां क्लियर फोकस हो जाता है, इसको कहते हैं क्लियर फोकस। यानी पर्पस हमें यह बताता है कि हम यहां क्यों हैं, वैल्यूज हमें यह बताता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और विजन हमें यह बताता है कहां हम जा रहे हैं, कहां हमें पहुंचना है। और ये तीनों क्लियर हो जाने से फोकस हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारे एक्शंस जो भी होंगे उसके लिए ये आधार बन जाएगा हमारे एक्शंस को गाइड करने के लिए। फोकस, इसीलिए शब्द निकला है फोकाई। फोकाई माना जहां सब बातें इकट्ठी मिलती हो, रेज मिलते हो, उसको फोकस कहा। तो जहां ये तीनों बातें स्पष्ट हो वहां फोकस क्लियर है मुझे, कि मुझे मालूम है कि कहां मैं जा रही हूं। ये फोकस क्लियर हो जाने से व्यक्ति के एक्शंस किस प्रकार गाइड होते हैं, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि एक बार एक व्यक्ति था कि वो सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए आए थे, क्योंकि उसके पास फोकस क्लियर नहीं था, बहुत कंफ्यूजन की स्टेज में था। आखिर जब धीरे धीरे उसने अपने पर्पस को ढूंढा, वैल्यूज को ढूंढा, विजन को क्लियर किया, अंत में उसने शेयर किया हमारे साथ कि उसकी पूरी फैमिली लॉ बिजनेस में थी,
सारे ही कोई वकील, कोई जज, कोई मैजिस्ट्रेट आदि मतलब लॉ फील्ड से कनेक्टेड थे, और इसलिए समाज में उस परिवार को सभी लोग उसी रूप से जानते थे कि ये परिवार एक लॉ परिवार है, मना लॉ से कनेक्टेड परिवार है। दिस पर्सन वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सबसे छोटा व्यक्ति था, और इसलिए सारे फैमिली का भी उसके प्रति यही भाव था कि तुम भी सब्जेक्ट्स लो लॉ से संबंधित ही, और तुम्हें भी इसी फील्ड में आना है ताकि हमारी फैमिली पूरी जैसे लॉ के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगी। एंड दे वर वेरी प्राउड कि हाँ, हमारी फैमिली में सभी के संस्कार मिलते हैं, एक साथ सभी एक जैसे हैं हमारे परिवार में। ये व्यक्ति ने भी लॉ पढ़ाई शुरू किया, पढ़ाई करते करते जब उसके ऊपर भी स्ट्रेस आने लगा कि नहीं, तुम्हें भी लॉ पर चलना ही है, इसी जीवन को अपनाना है, तब उसको धीरे धीरे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा अपने आप से। क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा था मालूम नहीं उसको, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था कि मैं लॉ प्रोफेशन में जाऊं, लेकिन सबके प्रेशर से वो चल पड़ा। अब धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया, जैसे जैसे पढ़ाई कर रहा था वैसे वैसे उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया। क्यों बढ़ रहा था ये भी उसको मालूम नहीं, जबकि सारी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, सारी फैमिली उसको सहयोग दे रही है, तभी भी उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था। जब उसने ये सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम अटेंड किया, अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया, तो बहुत सुंदर बात उसने बताई कि उसकी वैल्यूज जो थी, कोई भी वैल्यूज लॉ प्रोफेशन को सपोर्ट करने वाली नहीं थी। उसकी वैल्यू थी कंपैशन, दया, करुणा, भावना, इमोशनल व्यक्ति था। अब वो व्यक्तित्व जिसकी ये वैल्यूज है वो लॉ प्रोफेशन में तो सक्सेसफुल हो नहीं सकेगा। जब वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया तब उसको लगा जो मैंने पर्पस अपनी लाइफ का अपनाया है ये गलत है, मैं इसके लिए नहीं हूं, और तब मैं अलग दिशा में पहुंच जाऊंगा और मैं अपनी लाइफ को टोटल रुइन कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। ये वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद, क्योंकि कोई भी उसकी वैल्यू उसके लॉ प्रोफेशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तब उसने अपने परिवार वालों को भी जाकर के बताया कि आज ये ट्रेनिंग करने के बाद मुझे इतना बेनिफिट जरूर हुआ कि मुझे अपनी वैल्यू सिस्टम का पता लगा कि मेरी वैल्यू सिस्टम अलग है। आप लोग सक्सेसफुल हो इस फील्ड के अंदर क्योंकि आपके वैल्यू सिस्टम उसमें सपोर्ट कर रही थी आपको, और इसलिए जब मेरी वैल्यू सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रही, अगर मैं आपके कहने पर चल भी जाऊंगा तभी भी मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकूंगा, और उस समय मैं किसको दोषी समझूंगा। तब उसके परिवार वालों को भी समझ में आए, कहा ठीक है, तुम जैसा अपना जीवन बनाना चाहो, जैसे अपनी वैल्यूज के आधार पर अगर अपना जीवन बनाना चाहो वैसे बनाओ। और उसके बाद उसने अपना विजन ढूंढना शुरू किया कि मेरा विजन कौन सा है जिसके लिए मैं संसार में आया हूं। ये तीनों बातें क्लियर हो जाने से क्लियर फोकस हो जाता, और तब हमारे अंदर उसके साथ साथ कैपेबिलिटीज और विल पावर भी आता है, क्योंकि विजन, पर्पस, वैल्यूज क्लियर हो गया, उसके बाद वो विजन को जीने के लिए एबिलिटीज भी चाहिए, वो योग्यताएं भी चाहिए जो वैल्यूज के साथ सपोर्टिव हो, और विल पावर चाहिए। जब ये तीनों है तो वहां कहेंगे दिस इज द की टू ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों जरूरी है, क्लियर फोकस, कैपेबिलिटीज एंड विल पावर, देन डू इट, नथिंग कैन स्टॉप यू। ये क्लियर हो जाने से, अगर दो क्लियर है, तीनों क्लियर नहीं है, मानो फोकस क्लियर है, विल पावर भी है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, देन आई वुड डू इट बट आई कैन नॉट, क्योंकि विल कैपेबिलिटीज नहीं है।
कैपेबिलिटीज माना मेरी पर्सनल रिसोर्सेस, टैलेंट्स, स्किल्स, ये है कैपेबिलिटीज। और विल पावर तब आता है जब एंथुजियाज्म है, मोटिवेशन है, कमिटमेंट है, तब विल पावर बढ़ता है। अगर विल पावर है, कैपेबिलिटी है, फोकस क्लियर नहीं है, तो आई मे डू इट बट आई कैन नॉट, क्योंकि फोकस क्लियर ही नहीं, कहां जाना है मुझे। कैपेबिलिटीज है, फोकस है, लेकिन विल पावर नहीं है। आई कुड डू इट बट आई कैन नॉट बिकॉज आई डोंट हैव द विल पावर। तो इसलिए तीनों बहुत जरूरी है। जब तीनों है तो ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत सहज हो जाता है, और जिस दिशा में अपनी लाइफ को मोड़ना चाहे उस दिशा में हम अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। तो ये तीन बातें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक की रोल प्ले करती है, और इस की रोल के माध्यम से लाइफ को जिस प्रकार जीना चाहे व्यक्ति जी सकते हैं, एंड सेल्फ मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इजी फॉर हिम। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय having a clear vision, identifying the value set that I'm blessed with, and then practically experimenting and developing a clear focus. और उसके आधार पर जिस दिशा में लाइफ को ले जाना चाहो ले जा सकते हैं। ओम शांति। ओम।